गांधरा गांव में एक व्यक्ति ने सरपंच की सास और एक अन्य महिला को गोली मार दी। यही नहीं, गोली मार कर खुद भी आत्महत्या कर ली। दोनों घायल महिलाओं का इलाज अस्पताल में चल रहा है और इस मामले में सापला थाना पुलिस जांच करने में जुटी हुई है। हालांकि शुरुआती जांच में हमलावर की मानसिक परेशानी को घटना का कारण माना जा रहा है। ये गांव गांधरा का है, अपना रमेश कुमार जी, जिनकी उम्र होगी करीब 45 साल के आसपास, और शादीशुदा हैं, दो बच्चे हैं इनके। ये करीब 10-15 रोज से परेशान रहा करता है। आज इसने 11:30 बजे के आसपास पहले तो अपनी भाभी उर्मिला देवी, उसके साथ इसने हाथापाई की और उसको दो गोली मारी, जो एक गोली तो उसके लेफ्ट हैंड के हथेली में लगी, दूसरी गोली उसके दाएं कान के पास छर्रे से होते हुए गुजर गई। दूसरा फिर इसने हादसा किया अपनी काकी के साथ, चंद्रकला देवी जो मौजूदा सरपंच की सोनू की माँ है, उसके साथ उसके भी इसने 3 गोली मारी हैं। 2 गोली तो पेट में लगी और 1 गोली उनके हाथ में लगी, तो वो फिलहाल उपचाराधीन है अपने कायनोस में, चंद्रकला और उर्मिला देवी यहाँ अपने ट्रामा सेंटर PGIM है, दोनों खतरे से बाहर हैं। और उस मुलजिम ने इनका खुद मतलब गोली मार कर इनके साथ वारदात करके खुद सुसाइड कर लिया, जिसकी डॉक्टर ने इसको मतलब मृत घोषित कर दिया, जिसकी डेड बॉडी हमें पंचनामा के कार्रवाई के लिए PGIM भेजा जा रहा है और इनका उपचार जारी है, आगे कार्रवाई मुकदमा दर्ज करके आगे कार्रवाई जारी है। बिल्कुल इन्हें काकाता हुए कि खून का परिवार है और ऐसी कोई रंजिश नहीं थी, बस ये दिमागी तौर पर परेशान रहा करता था। काम ये प्राइवेट कंपनी में जॉब वगैरह किया करते। इनके पास एक लाइसेंस सुनने में आया कि लाइसेंस रिवॉल्वर है, जिसकी भी अलग से जांच की जा रही है। शुरू में मन ने पूछा था, वो पहले तो बताओ है कि जो बता मैं बताऊँ रही है, एक लेडी से पहले गोली मार कर आया, फिर मैं जो घर मैं पूछा हूँ घर आ गए लो तो कौन है, फिर मेरी माँ दो गोली मारी है, फिर मेरी बहू के पास लग गया हूँ, उन कबाड़ बंद कर लिए, फिर जो छोटे भाई के वो हवा उन्हें पछाड़ मन आई, जो 7-8 महीने पहले ब्याह होगा वही शर्मा ला दी, तू कौन हवा बाज ली बार, फिर अपने आप उन्होंने गोली मारी अपने आप ही। यस रिपोर्ट रोहतक मीडिया।